वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से अलग सा लगाव हो जाता है, कुछ लोगों से, कुछ जगहों से, और कभी कभी तो किसी की बातों से। इन बातों को सुनते ही रहें, कहीं बैठे ही रहें और वो जगह छोड़ कर ना जाएं, पर क्या करें, समय टाइम चीज़ें चेंज करवाता है, टाइम परिवर्तन करवाता है, नए लोगों से मिलवाता है, नई चीज़ें दिखाता है, नई जगह घुमाता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं आज कुछ और सुंदर प्लेसेस मेरे साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल, और मैं जा रही हूँ तूफान में कन्याकुमारी कोची से। एंड इट इज लाइक मेरे को 6 रूट्स, मतलब रास्ते हैं। जैसे पहले मेरी लोकेशन है एलपी, मैं एलपी के बारे में शेयर करती हूँ, मगर मुझे 6 जगह कवर करनी है उससे पहले। एंड यहाँ पे पता है रेड अलर्ट है केरला में, कोची में स्पेशली रेड अलर्ट है। कल शाम से गूगल रेड अलर्ट शो कर रहा है और कई जगह तो ऐसा शो कर रहा है जिसमें फ्लड आ गया हो। आई एम नॉट श्योर मैं कन्याकुमारी पहुंच पाऊंगी कि नहीं, मतलब कन्याकुमारी फ्रॉम मतलब कोची टू कन्याकुमारी इन फ्लड इट्स गोना बी अमेजिंग सफर। आई शो यू द रूट। सो दिस इज राइट नाउ द सिचुएशन, थोड़ा थोड़ा पानी भर चुका है ग्राउंड में भी, आप देख सकते हैं। एंड सामने बारिश, कल रात से बारिश नहीं रुक रही है, कल रात से। पर जिन लोगों को काम पे जाना होता है ना, वो जाते ही, जिन लोगों को काम करना होता है वो करते हैं, उनका काम नहीं रुकता। मुझे आज भी याद है, मैं जब स्कूल पढ़ाती थी ना, तो आप लोग कहोगे मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। जब मैं स्कूल पढ़ाती थी ना, मैं इतनी बारिश में निक्कर टी शर्ट पहन के और बैग में एक्स्ट्रा कपड़े रख के डिक्की में पैक करके और अपने आप को पूरा पैक करके रेनकोट पहन के भी स्कूल जाती थी, फिर भी मैं गीली हो जाती थी। वहां जाके कपड़े चेंज करके अपना दिन स्टार्ट करती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस्ट चीज़ क्या होती थी जब मैं स्कूल पढ़ाती थी कि 8:30 बजे तक का, मतलब 8:30-9 बजे, मतलब लेट भी होगा ना तो तुम्हारा लेट मार्क नहीं लगेगा। अब चलते हैं अपनी न्यू लोकेशन की तरफ, फ्लड में देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। एलपी मेरे यहाँ से कोची से कम 1 से 1.5 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का ड्राइव है कहते हैं, बट अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो 1.5 घंटा लग ही जाएगा। और एलपी में स्पेशली क्या है, एलपी में स्पेशली क्या है पहुंच के पता लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर, अच्छा इट गाइस, एक्चुअली ना यहाँ केरला में रेड अलर्ट है इसलिए स्ट्रीट से ही। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, एंड मेलिसा को बोलना लॉट्स ऑफ लव, इट वाज अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू, इट मींस टू अ लॉट। एंड गाइस दे हैव अ ब्यूटीफुल स्टे, आपको देख ही चुके हो। एंड अगर किसी ने स्टे करना सो यू कैन एक्चुअली गेट इन टच विद देम, मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी कि कैप्शन डिटेल्स। आज रेड अलर्ट है यहाँ पे, सो आई एम लीविंग दिस प्लेस, बाय बाय। इट्स रेनिंग, मुझे नहीं ढूंढे। तो गाइस जब मैं रूट स्टार्ट कर रही हूँ ना, रूट में भी अफेक्टेड बाय केरला फ्लड। एंड मैंने ओपन द रूट ना, तो दोनों साइड देखो यार, मैं किसी जिस रूट पर हूँ ना उसके दोनों साइड पे इस वक्त, ओह माय गॉड, द वार्निंग इज कमिंग। ये वार्निंग पता कब से आ रही है, ये वार्निंग कल से आ रही है। एंड आई वाज सो श्योर ऐसा कुछ होने वाला है। हाय हेलो, लेट्स केरला, पानी यहाँ तक आ चुका है, सामने वाला एरिया कैसे हुआ, मैं सच में इतनी खूबसूरत जगह हूँ, मैं किस्मत को पहले की तरह डांटती नहीं और दिल की बातें अब किसी को बताती नहीं। अब पूरा संसार है मेरे पास। Oh my God, this is beautiful. So that is LP, the lake area, जहाँ पे हाउस बोट्स होती हैं, गाइस। यहाँ पेट्रोल पंप पे भी है। हेलो, दिस इज द हाउस बोट एक्चुअली, एंड यू कैन एक्चुअली, हेलो ओवर देयर, वहाँ पे भी हाउस बोट है। एंड यू कैन हैव इन गो टू शिकारा, पता नहीं पानी कितना डीप है, आई एम नॉट श्योर। तो हियर यू कैन एक्चुअली स्टे, हैव फूड। सो दैट्स द बोट, और ये अंकल की बोट है, वी आर फ्रॉम दिल्ली, यस। सो आप यहाँ सोते हो, और कितने की है बोट वैसे, हाउ मच यू चार्ज? वन डे 7,000 रुपीज पर नाइट विद द फूड इंक्लूडेड, ऑल थ्री मील्स, ऑल थ्री मील्स। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर बोट?
डू टेल मी द नेम ऑफ योर बोट. सो गाइस यहाँ पे पूरा एक रात के लिए अगर रुकना चाहते हो, सो दैट्स द ब्यूटीफुल व्यू. इनका वॉशरूम भी है, ठीक है, मिरर भी है सही सा, एंड दैट्स द व्यू. टोटली लव इट यार, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर अ डे एक्चुअली. सो 7,000 इज अ कॉस्ट. यस, सिल्वर लाइन. अच्छा, सिल्वर लाइन इज द नेम ऑफ द बोट. एंड भैया विल बी विद यू, यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो. तो ये चलती भी है बोट आपकी, रात को चलाते हो आप लोग. सो किसी को अगर कोकोनट लेना है तो यू कैन एक्चुअली कोकोनट ऑयल आप यहाँ से ले सकते हो LP में. सो आई फाउंड इट लाइक ये एट अ टाइम बनाते हैं मशीनरी में आपके सामने ही. इट कॉस्टेड मी 280 rupees फॉर 1 liter. और इसके बाद मैं जाऊँगी टोडी ट्राई करने. तो मैं आई हूँ टोडी ट्राई करने. टोडी क्या करता है? टोडी बेसिकली मतलब यू नो इट्स पेट से डायरेक्ट डाला जाता है. यहाँ का लोकल और बेस्ट डिश मतलब वो मानी जाती है ड्रिंक. एंड लेट्स सी भैया कैसे उतारते हैं टोडी. सो टोडी बनता कैसे है? टोडी, हाँ टोडी तो मुझे, मैं इधर पीने के लिए आया हूँ. अच्छा, आप भी पीने के लिए आए हो. आपको आइडिया है वैसे कैसे बनता है? नहीं, वो नारियल का पानी है ना, नारियल का वृक्ष. हाँ, नारियल का पानी ऊपर जाता है, उधर से निकालते हैं, किधर से निकालते हैं, उधर से कहाँ से निकालते हैं पता नहीं, मालूम नहीं, वो उसको मालूम है. अच्छा, और वो अल्कोहल होता है? नहीं 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 होता. नहीं नहीं नहीं, वो नारियल में किधर अल्कोहल होता? नहीं नहीं, लोग कहते हैं ना नशा होता है, इसलिए भैया मैंने पूछा. नहीं, वो इसको वजह से नशा होता है. अच्छा, उसकी वजह से नशा होता है. अच्छा, वैसे अच्छी है हेल्थ के लिए. तो ये टोडी यही है? हाँ, यही टोडी. अच्छा, थैंक यू. ये क्या है? और टपियोका बोलते हैं. टपियोका, टपियोका. अब गूगल में सर्च करो. अच्छा, कैसा होता है खाने में? अच्छा होता है? अच्छा होता है, पर इसमें फिश करी का ग्रेवी डाल के खाना है. अच्छा, फिश करी का. अच्छा, नहीं नहीं, हम वेजिटेरियन है ना. थोड़ी गाइस, थोड़ा थोड़ा वो है, ये थोड़ा सा तीखा सा है, एकदम चुपता है. इसका थोड़ा सा वैसा टेस्ट है, लाइक एकदम से चढ़ने वाला, जो एकदम गले में चुभता है थोड़ा थोड़ा. बट इसमें नारियल का भी टेस्ट आ रहा है, पता है, जैसे हम नारियल पानी पीते हैं ना, उसका भी टेस्ट आ रहा है. मैं पहुंच गई हूँ अपनी नेक्स्ट सेकंड डेस्टिनेशन आज की, क्योंकि मैं कन्याकुमारी का रूट ले रखा है कोची से, जैसा कि आपको पता है. तो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है जटायू अर्थ सेंटर. एग्जैक्टली 4 घंटे दूर पड़ता है ये आपका कोची से, और LP से पड़ता है ये अराउंड 3 घंटे का रास्ता ऑन बाय रोड. फाइनली रीचिंग हियर. Let's go to the ticket counter and I'll share about the tickets with you people. So entry ticket is like 200 plus tax. So depending upon like what will tax kitna per entry ticket? 18%. Okay. So it will cost more than like 18% per ticket. Yes. The entry and ticket. Yeah. From inside. Thank you. हेलो, वेयर विल बी द टिकट? सो कैश पेमेंट ही ज़्यादातर एक्सेप्टेड है यहाँ पर, फिर भी कार्ड पेमेंट है बट नीचे नहीं है. और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ जो आपको फॉलो करने हैं, और टिकट प्राइस आपको दिख ही चुके हैं GST. सो फाइनली कम से कम 1/2 hour की वेटिंग के बाद हम बैठने जा रहे हैं इनमें. ये तो सबसे आखिरी में बैठे, सबसे पहले में बैठो. दिल्ली वाले लोग मिले, दिल्ली करनाल वाले, मतलब करनाल बेसिकली दिल्ली NCR समझ लो आप. तो NCR लगा लो, हम अपने आप को दिल्ली में मांगते हैं. सब सबका ये हाल है, हम भी अपने आप को दिल्ली में ही मांगते हैं, हम गाजियाबाद रह के भी. So guys, basically यहाँ की क्या खासियत है कि ये स्क्रिप्चर जो है ना वो बिल्ट हुआ है 2018 में, एंड
ये पूरी प्रॉपर्टी है, जितनी दूर दूर तक आंखें जा रही हैं ये सारी प्राइवेट है। तो जितना पैसा आपका यहाँ पे आता है ट्रैवलिंग से, सो मतलब जितने लोग यहाँ पे आके ट्रैवल करते हैं और इस जगह को मतलब पैसे देते हैं जैसे कि टिकट एंड ऑल में, सो उससे आप लोगों को तो याद होगा रामायण की स्टोरी, जब जटायु जो थे वो अपने मतलब गिर जाते हैं जब वो सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं और उनका एक पंख टूट जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप स्क्रिप्चर ध्यान से देखोगे ना, पंख टूट, एक पंख नहीं टूटता, मतलब उनको चोट आ जाती है, उनका पंख घायल हो जाता है पर वो उड़ने लायक नहीं रहते। तो उनका यहाँ पे भी ना कुछ इसी तरह स्ट्रक्चर बना है जैसे कि वो गिर रहे हैं ऊपर आसमान से, और सीता माता जी उन्हें प्रॉमिस करती है कि जब तक आप मतलब राम जी से नहीं मिलोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं होगा, और सीता माता उनका ध्यान रखती है। दिस इज़ एक्चुअली द प्लेस जहाँ पे इवेंट एंड पार्टीज एंड ऑल हो रहा था, नीचे कुछ वीडियोज़ बनी हुई थी और यहाँ पे कंडक्ट भी होती है इवेंट पार्टीज एंड ऑल। एंड दैट साइड इज़ अ मंदिर ओवर देयर, और कहते थे कि इनकी इसकी ना आईज से आप सनसेट देख पाओगे, देयर विल बी अ टाइम, आई एम नॉट श्योर, ऐसा 2020 के किसी ब्लॉग में मैंने सुना था, बट आई एम नॉट श्योर अभी क्या स्टेटस है उस चीज़ का, बट मंदिर तब तक नहीं बना था, मंदिर अब तक बन चुका है। हियर आर सम मूर्तियां यू कैन एक्चुअली परचेस, एंड हियर इज़ द श्री राम टेम्पल बना हुआ है जिसके अंदर आप जा सकते हो। एंड हेलो बॉयज, सो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ भी है, सो यू कैन एक्चुअली इन्जॉय द एक्टिविटीज़ एज वेल, इसके चार्जेस अलग हैं यहाँ पे, सो इनके एरिया में एक्टिविटीज़ हैं, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर द एक्टिविटीज़, ब्यूटिफुल ना, इतनी दूर तक नजर जाए इतनी दूर तक ग्रीनरी है यहाँ पे। रॉक पे गिरे थे जब उनको तलवार मारी थी रावण जी ने, जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, और कहा जाता है कि यहाँ पे ना सीता राम जी आए थे सीता जी को। सो मंदिर के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड भी है जहाँ पे कभी पानी ख़त्म नहीं होता, वो जटायु के उनसे कुछ कनेक्शंस हैं कि वो पानी का मतलब उस टाइम में पानी अभी तक उसमें कभी ख़त्म होगा भी नहीं कहते हैं। गो बैक गाइस, अभी बहुत दूर तक जाना है, जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, कन्याकुमारी पहुँचना है, चार बज रहे हैं, पानी की प्यास लगी है, पेट्रोल इस बहुत स्लो मूव करती है, आज की थर्ड लोकेशन वर्कला बीच, थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे बट ये बीच वर्थ करता है, अगर आप यहाँ पे बैठना चाहते हो तो उस तरफ यहाँ पे जगह है टाइम स्पेंड करने की, वहाँ पे रिजॉर्ट्स रेस्टोरेंट्स सब कुछ है। फिलहाल मुझे आज कन्याकुमारी निकलना है, पानी का शोर कितना तेज है ना, केरला रेड अलर्ट पर है बताया था ना। नीचे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी मतलब नीचे लोग गए हुए हैं, आप इस तरह से वॉलीबॉल खेल सकते हो और नीचे जा सकते हो बीच, मतलब अभी ना रेड अलर्ट की वजह से सारी जगह ये लगा हुआ है, ये जितनी लाइन लगी हुई है ना आप इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि पानी यहीं तक आ रहा है। The water actually flow from that side to this side, so it's a floody this is a floody time going on, but it also you know it comes in your houses as well. It comes, then how come you manage? चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू, आई विल सी यू। मैंने तो अपनी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करी थी पर पूरा केरला रेड अलर्ट पर है और कई बहुत ही तेज बारिश, मैं इस वक्त खड़ी हूँ कोवलन बीच पे जो मेरी चौथी लोकेशन है क्योंकि एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि रेड अलर्ट है और यहाँ से ये एरिया बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकती, बट लुक अगर आपको लहरें दिख रही है तो लहरें बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त। फॉर द डिनर गाइस, क्योंकि अभी रास्ता अभी 2 घंटे का बाकी है, वी कांट टेक द स्टॉप एंड can't take the stop and still अभी रोड बहुत बाकी है, तो
मैं गाड़ी में ही खा रही हूँ आज तो पूरे दिन, क्योंकि काम 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 एंड काम. सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 110 rupees. पता स्ट्रीट फूड खाओ यहाँ पे बहुत यम होता है और अच्छा भी होता है और हाइजीनिक भी होता है और ऑयल भी बहुत अच्छा यूज होता है. मैं नहीं बता सकती कितनी तेज बादल फ्लो हो रहे हैं ऊपर आसमान में. मैं जस्ट अभी कन्याकुमारी पहुंची हूँ, मेरा स्टे बहुत प्यारा है. अभी अंधेरा हो रखा है वही, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगी. दैट्स माई रूम एक्चुअली. हियर हियर इज अ वॉशरूम. और मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ. सी यू टुमारो. बाय बाय. आई मीन डे आफ्टर टुमारो.